आमने सामने भिड़ेंगी लुधियाना लायंस और किरात हैदराबाद। इस फिक्स्चर में तीन मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला है लुधियाना लायन के हरीश वर्मा बनाम बूटा सिंह के बीच, उसके बाद होगा रूपाली फुले वर्सेस मधुरा के एन। मधुरा ने कल भी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, दो दो मैच उन्होंने जीते थे, आज फिर से वापस आ गए हैं। उसके बाद तीसरा मैच होगा 60 केजी मेंस कैटेगरी में चरण नायक और शोएब अख्तर के बीच में। ज्यादातर खिलाड़ी पहले ही खेल चुके हैं, काफी अच्छे प्रदर्शन दिखा चुके हैं। पहला मुकाबला देखिए, स्पेशली एबल्ड कैटेगरी में एक बार फिर से हरीश वर्मा लुधियाना लायंस के बनाम बूटा सिंह फ्रॉम किराक हैदराबाद। काफी ज्यादा एनर्जी हाई है। पहले मैच के इंट्रोडक्शन के लिए चलते हैं अमन के पास। वेलकम 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 बैक इंडिया, और पहला फिक्स्चर हमारा हो चुका है। नाउ टू द नेक्स्ट फिक्स्चर, और हमारी दो टीम्स हमारे पास आ चुकी हैं। वी हैव गॉट ओहो द लाउड पीपल इन द हाउस, ये बहुत आवाज करते हैं। ऑन माय राइट लुधियाना लायंस, एंड ऑन माय लेफ्ट किराक हैदराबाद। ये मुकाबला शुरू करने से पहले इट्स ओनली फेयर दैट वी शो अ लॉट ऑफ लव टू आवर स्पॉन्सर्स जिन्होंने ये हमारे लिए मुमकिन करा। इंडिया, वी'd लाइक टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, आवर ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, सोनी 10.3, ओटीटी पार्टनर फैन कोड, रेडियो पार्टनर रेड एफएम, मेडिकल पार्टनर मेड्यूलेंस हेल्थ केयर, कैमरा पार्टनर निकॉन, किट पार्टनर शिव नरेश, official media partner Sports India Show, international partner Sports Room, fitness partner Cult Fit, energy partner Charged. And now it's time ki pehla match in dono mukable ko, is teams ke beech ke mukable ko shuru kiya jaye. Inke fans bahut loud hain, I think one of the loudest in the entire tournament as well. Aa rahe hain from the Ludhiana Lions in the specially abled category, 11 times international champion, 6 times gold medalist, 7 times silver medalist, and 1 time bronze medalist. Oof, that's a long list of awards. Please welcome Harish Verma. काफ़ी ज़्यादा अकम्पलिशमेंट्स के साथ आ रहे हैं प्रो पंजाब लीग के इस आर्म रेसलिंग टेबल की ओर। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं हरीश, आज जीत ज़रूर दिलाना चाहेंगे अपने ओपोनेंट को। एक बार फिर से आज प्रो पंजाब लीग के इस आठवें दिन में हमें तीन तीन स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के मैचेस देखने को मिलेंगे, तो सभी को बराबर मौका प्रो पंजाब लीग में मिलता है, और हम सभी को भी इस खूबसूरत खेल को एक बार आजमाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। चलिए अभी के लिए इनके ओपोनेंट से मिलते हैं अमन के साथ। और इनके ओपोनेंट आ रहे हैं फ्रॉम किराक हैदराबाद, वन टाइम गोल्ड मेडलिस्ट एट नेशनल चैंपियनशिप लेवल एंड मल्टीपल टाइम एट द स्टेट लेवल। इंडिया, प्लीज वेलकम इन दिस स्पेशली एबल्ड कैटेगरी फ्रॉम किराक हैदराबाद, बूटा सिंह। बूटा सिंह के साथ कल ही मैं चर्चा कर रहा था, कह रहे थे कि समझ नहीं आता अपने घर में जहाँ मैं चलता हूँ मेरे जिम इक्विपमेंट्स हैं, मेरे आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स हैं, कभी मैं किसी चीज़ से टकराता हूँ, कभी मैं किसी डंबल से टकराता हूँ, मेरी ज़िंदगी ही है आर्म रेसलिंग, सब कुछ मैंने इस खेल के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया है। इनके बेटे भी नज़र आएंगे बहुत जल्द, तो एक पिता और एक बेटा साथ प्रो पंजाब लीग सीजन 1 में आपको खेलते दिखेंगे। बूटा सिंह ने कल भी मेन कार्ड में मुकाबला लड़ा था, लेकिन वहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या आज पलटवार होगा? 5 साल बड़े हैं अपने प्रतिद्वंदी से, क्या कल की हार से कुछ सीखेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे रणनीति में? क्षमता है, काबिलियत है, काफ़ी मेहनत करके आए हैं।
ग्वालियर के रैंकिंग टूर्नामेंट में इन्होंने अपनी प्रतिभा सबको दिखाई थी। अब थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में, क्या आज उनका दिन होगा? जी हाँ, पिछला मैच तो उनका सीधा का सीधा चंदन कुमार के साथ करा दिया गया था, तो वो तो चैलेंजर राउंड लगा ही देते हैं अपने ओपोनेंट्स पर। पहले राउंड की शुरुआत होते हुए लुधियाना लायंस के हरीश वर्मा आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर, और किराक हैदराबाद के बूटा सिंह एक बार फिर से प्रोपंजल लीग आर्म रेसलिंग टेबल पर आपकी स्क्रीन के राइट साइड पर। और देखिए कलाई को आसानी से मोड़ दिया है, यहां से पिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हरीश एक स्लिप पाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उंगलियों को पकड़ कर रखेंगे, अंगूठे को पकड़ कर रखेंगे बूटा सिंह। इस पोजीशन में सिट डाउन आर्म रेसलिंग टेबल में बैठे बैठे फिनिश करना काफी मुश्किल, क्योंकि आप अपने शोल्डर के पीछे जाके प्रेस नहीं कर सकते, और उसी वजह से स्लिप हुई और अब ये मैच जाएगा स्ट्रैप्स में। रिस्ट तो काफी मजबूत नजर आ रही है बूटा सिंह की। स्ट्रैप में अगर इस तरीके से एक बार कलाई को पीछे मोड़ दिया अपने ओपोनेंट की, तो फिर बचकर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। काफी टेंस मोमेंट्स होते हैं ये रेडी गो से पहले के, दोनों ही एथलीट्स कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते, एनर्जी बचा कर रखते हैं, उस रेडी गो का इंतजार करते हैं जहां पर अपनी पूरी की पूरी स्पीड और आक्रामकता के साथ हमला करते हैं। शोल्डर्स दोनों के स्क्वायर होते हुए मूवमेंट की अब कोई गुंजाइश नहीं। बूटा सिंह एक बार फिर से उनकी कलाई को पीछे मोड़ने की कोशिश करेंगे, मोड़ दी है, एक बार फिर से टॉप रो लगा दिया। और बिल्कुल भी देखे, हरीश ने अपने लेफ्ट साइड में हिट मारने की कोशिश की थी, लेकिन बूटा सिंह का हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। अब पिन पैड के पास ले जा रहे हैं टॉप रोल करके, लेकिन थोड़ा पेशेंस यहां पर दिखाना होगा। बहुत ही बुरी पोजीशन में अभी हरीश नजर आ रहे हैं, किसी तरह अपने शोल्डर के पीछे, अपने हाथ के पीछे ले आए शोल्डर को, तो शायद प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी मुश्किलें काफी बढ़ी हुई। बूटा सिंह उन्हें थकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फिनिश नहीं। देखिए बूटा सिंह के चेहरे पे भी काफी ज्यादा स्ट्रेन नजर आ रहा है, क्या वो भी थक रहे हैं इस मैच में? जी नहीं, पिन पैड के बहुत करीब अब ले गए हैं और लगभग इस मैच को फिनिश, अपनी खुद की उंगली तो उन्होंने टच करा दी थी, लेकिन अभी अपने ओपोनेंट की भी हाथ को पिन पैड से लगा दिया है और इस पहले राउंड को एक जबरदस्त मुकाबले में जीत लिया है। फुट्टा फुट्टा का नाम हर तरफ सुनाई दे रहा था जैसे वो पहला राउंड चल रहा था। किराक हैदराबाद के सभी चाहने वाले भुट्टा सिंह को जीतते हुए देखना चाहते थे, और आखिरकार भुट्टा सिंह को वो पहला राउंड मिल ही गया, इस सीजन का पहला राउंड। और एक मौका, जश्न का मौका। एक और राउंड यहां बूटा सिंह अगर जीत जाते हैं तो ये मैच उनके नाम जाएगा। अंडरकार्ड का हर मैच आपको एक पॉइंट देता है, राउंड के पॉइंट नहीं मिलते हैं यहां, तो बूटा सिंह के लिए बहुत जरूरी मैच को जीतना। कल वो मेरे से कह रहे थे कि मेन कार्ड का जो मैच था प्राइम टाइम पे आ रहा था और उनकी जो वाइफ है उन्हें देख रही थी टीवी पर, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, तो उनके लिए कितनी बड़ी ये, कितना बड़ा पल है, कितना अहम क्षण है, वो उन्होंने कल मुझे खुद बताया। उन्हें जो खुशी हुई जानकर कि उनके परिवार के सदस्य उन्हें टीवी पर देख रहे हैं, वो भी प्राइम टाइम पर, के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा कल का, और आज शायद उससे भी खूबसूरत, क्योंकि आज वो जीत सकते हैं अपना पहला मैच। हरीश वर्मा अपने आप में एक बहुत महानतम खिलाड़ी हैं। 23 वर्ष से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, 2017-18 में एशियन चैंपियन बन चुके हैं, तो प्रतिभा उनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या अभी
अपनी आर्म रेसलिंग फॉर्म से बाहर चल रहे हैं, क्या वो स्ट्रेंथ लेवल अब उनके बाजुओं में नहीं बचा, देखते हैं। काफी आसानी से टॉप रोल कर रहे हैं आज तो बूटा सिंह, उन्हें एक बार फिर से स्ट्रगल करेंगे। इस बार पूरी तरह कलाई पीछे नहीं मोड़ी बूटा सिंह ने उनकी, इसलिए स्लिप नहीं करने देंगे। इस बार कोशिश तो वही रहेगी कि इधर से ही थका कर हराया जाए। देखिए फैंस की तरफ देख रहे हैं, कैमरा की तरफ देख रहे हैं पिन करने से पहले। देखिए कलाई पूरी मुड़ जाती है, वापस ले आते हैं उनकी कलाई को जिससे कि स्लिप ना कर सके। कलाई पूरी मोड़ने के बावजूद भी देखिए वापस ला रहे हैं, स्लिप नहीं करने देना चाहते। पिछली बार बूटा सिंह को भी थोड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा था जब वो एक बार स्ट्रैप बंद गया था। इस बार काफी अच्छी रणनीति, टॉप रोल करके फिर वापस कलाई सीधी कर देते हैं। ये पहली बार हमें यहाँ प्रो पंजाब लीग में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, किसी भी कीमत पर वो स्लिप नहीं पाने देंगे बूटा सिंह। अभी कलाई पूरी तरह पीछे मुड़ गई है, अब काफी तेजी से अटैक करते हुए हरीश वर्मा भी। यहाँ पे रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए बूटा सिंह को, अगर यहाँ मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे हैं तो शायद स्ट्रैप्स में ही जाना बेहतर होगा। लेकिन कॉन्फिडेंस उनका अभी भी बहुत हाई, जानते हैं कि इस पोजीशन से हार तो नहीं सकते, इसलिए आखिरी क्षण तक आखिरी लम्हे तक कोशिश करेंगे अपने ओपोनेंट हरीश की उंगलियों को उस पिन पैड पर टिकाने की। दोनों ही राउंड क्या जबरदस्त थे, और इसी तरह बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से आर्म रेसलिंग करते हुए दूसरे राउंड को भी जीत लिया है। अपना एक्सपीरियंस उन्होंने भी दिखाया, एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी के खिलाफ चेहरे पे वो हल्की सी स्माइल मुस्कुराहट नजर आ रही थी इस मैच को जीतने के लिए। इसी रिजल्ट की उम्मीद लेकर आए थे, कल तो नहीं मिल पाए लेकिन आज इस मैच को जीतकर बढ़त दिला दी है। किरक हैदराबाद 1 लुधियाना लायंस 0, मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस अंडरकार्ड में दो और जबरदस्त मैचेस आज हमें देखने को मिलेंगे।